boxes 450 balls, each either white or black. There being as many metallic white balls as metallic black balls. Okay. If 40% of the white balls and 50% of black balls are metallic, then the number of non-metallic balls in the box. It's an again an easy question from percentages. ये एक काफी आसान क्वेश्चन है परसेंटेजेस से. जैसे क्वेश्चन आते थे कि रिमेनिंग वाले आते थे, रिमेनिंग सैलरी, कुछ उसने फूड पे खर्च कर दिया, कुछ उसने रेंट पे कर दिया, इस टाइप से का ही है. हालांकि दोनों अलग अलग है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मान लीजिए 450 बॉल्स हैं उसके पास टोटल ना. अब दो टाइप की बॉल है उसके पास, ब्लैक एंड व्हाइट. ये व्हाइट है हमारी. अब इन दोनों में दो कैटेगरीज और हैं. क्या है? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. सेम व्हाइट वाले में भी क्या है? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. अब एज पर द क्वेश्चन उसके पास एज मेनी मेटालिक व्हाइट बॉल्स, मान लीजिए कहा गया मेटालिक व्हाइट बॉल्स ये एक्स है, एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक वाली भी इसके पास एक्स है. अब ये कह रहा है कि 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स आर मेटालिक, जैसे व्हाइट है, तो ये जो एक्स है ये जितनी भी यहाँ टोटल है उसका 40% है, तो ये कितना हुआ? अब ये आप परसेंटेज निकाल सकते हो. मान लो ये व्हाइट बॉल्स वाई है, तो वाई का 40% दैट इज इक्वल टू एक्स. इससे हम कैंसिल करें तो एक्चुअली 2/5 होता है. वी कैन कैलकुलेट वाई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ये इधर, तो 5x/2. इट मींस टोटल व्हाइट बॉल्स जो है वो 5x/2 है एक्चुअली में. सेम वे में वो कह रहा है कि ब्लैक मेटेलिक बॉल्स जो है 50% है, यानी एक्स ये 50% है, तो इसका मतलब है ब्लैक बॉल टोटल जो रही होंगी 100% वो 2x रही होंगी. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये 50% है, आधा है ना, तो पूरा 2x रहा होगा. अब यहाँ से हम बाकी के भी नंबर निकाल सकते हैं. अगर ब्लैक 2x है, मेटालिक एक्स है, तो नॉन मेटालिक कितना होगा? 2x-x, यानी ये x होगा नॉन मेटालिक. सेम वे में 5x वाला हमारे पास 5x/2 ये वाइट बॉल्स हैं, जिसमें से मेटालिक एक्स हैं, तो नॉन मेटालिक जो बच गई वो नॉन मेटालिक होंगी. नॉन मेटालिक कितनी बची? ये हो गया 5x-2x विच इज 3x/2. बस अब वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स. नॉन मेटालिक बॉल्स कौन सी है? नॉन मेटालिक ये है बेसिकली, ये एक्स प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन मेटालिक बॉल्स आर x+3x/2. ये हमको टोटल निकालना है और कुछ भी नहीं करना. अब हम इससे पहले इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज ये मेटालिक, ये नॉन मेटालिक, ये मेटालिक, ये नॉन मेटालिक, यानी x+x+x+3x/2. ये टोटल बॉल कितनी है? तो 450 है ना, 450. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये 2 होगा, ये 2 होगा, मतलब 3 2 6x+ ये 9x/2 इज इक्वल टू 450. 9 से कैंसिल कर दीजिए 50 पे, तो इससे x आ गया मेरा 100. x 100 आ गया, तो यहाँ पे 100 डाल देते हैं, तो इट विल बी 100+3 × 100/2. कैंसिल करिए 50 पे, इट इज 100+50 × 3 is 150, सो दैट इज इक्वल टू 250. सो दैट विल बी माय आंसर इन न्यूमेरिक वैल्यूज. ने बोला है कि नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स इन द बॉक्स. अब नॉन मेटालिक में ब्लैक प्लस व्हाइट दोनों होंगी. जो ब्लैक थी वो एक्स थी, जो व्हाइट थी वो 3x/2 थी. इसका टोटल करना है. एक्स की वैल्यू हमने निकाली ली थी क्योंकि टोटल जो बॉल्स हैं वो 450 थी. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेजेस. आप ये क्वेश्चंस मिस नहीं कर सकते, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जो 10-12 जरूर होने चाहिए. इफ यू डू दीज 10-12 क्वेश्चंस तो भी आप 95+ परसेंटाइल आसानी से ला सकते हो. फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. Range. It is a medium level question from algebra. Advanced algebra से एक medium level question है. Medium to difficult आप बोल सकते हो. It's just you need to understand range और domain होता क्या है. एक चीज होती है domain, एक चीज होती है range. Domain होती है कि जैसे ये function है, तो x की values जो है, यानी x की क्या क्या values आप डाल सकते हो, यानी कहाँ से कहाँ तक x की values vary कर सकती हैं. और रेंज होता है कि उन एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन है ना, यानी ये जो फंक्शन है फिक्स है, ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ले सकता है. यानी रेंज फंक्शन की वैल्यूज होती है, और डोमेन हमारे जो वेरिएबल है एक्स उसकी वैल्यूज बताता है कि भाई तुम कितनी वैल्यूज ले सकते हो. हमारे क्वेश्चन में रेंज पूछ रहा है, तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज ले सकता है. अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं. लेट्स ट्राई फर्स्ट ट्रेडिशनल मैथड. ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होगा, लेट्स अज्यूम दिस इज इक्वल टू के.
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, के से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू के एक्स स्क्वायर प्लस फोर के एक्स प्लस नाइन के। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को सबको ना राइट में ले आते हैं, इट विल बी लाइक टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर के एक्स माइनस टू एक्स प्लस नाइन के है ये, सॉरी माइनस फोर, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये सारे उधर ले जाएंगे सो इट विल बी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन तो टू के माइनस वन प्लस, इसमें ये एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा फोर के माइनस टू प्लस ये कॉन्स्टेंट है नाइन के माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो होती है ना इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस तरीके की होती है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि रियल वैल्यूज ऑफ एक्स की बात कर रहा है, रियल वैल्यू का मतलब है एक्स की रियल वैल्यू कब होती है, रियल वैल्यू होती है जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्चुअली। तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर वन की बात करें तो इसमें ए क्या है मेरा, ये टू के माइनस वन ये ए है, ये जो पार्ट है ये बी है और ये जो पार्ट है ये सी है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखूंगा तो इट विल कम आउट टू बी, यहाँ पे लिख देता हूँ फोर के माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए है मेरा टू के माइनस वन इंटू सी विच इज नाइन के माइनस फोर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर फर्स्ट वाले में से टू कॉमन निकालूंगा तो बेसिकली ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ना ये क्या बनेगा, टू कॉमन निकालूंगा तो ये स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो फोर हो जाएगा, सो इट विल बी फोर, अंदर बचेगा टू के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू के माइनस वन इंटू नाइन के माइनस फोर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हम तो एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, बट यू शुड बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट। अब ये दोनों कॉमन ले लेते हैं इसमें से, फोर इंटू टू के माइनस वन तो हमारे पास बचेगा फोर इंटू टू के माइनस वन इंटू, अंदर क्या बचा टू के माइनस वन और यहाँ क्या बचा माइनस का नाइन के प्लस का फोर, तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इसे सॉल्व करें इधर की जगह यूज कर लेते हैं, सो इट विल बी फोर इंटू टू के माइनस वन इंटू ये होगा माइनस सेवन के प्लस थ्री, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे अगर चेंज करेंगे तो इट विल बी, बिकॉज ये फोर से फर्क नहीं पड़ता, हमें k की रेंज देखनी है, सो इट विल बी टू के माइनस वन इन टू, इसको मैं चेंज करूंगा तो इसका मतलब है मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ व्हेन आई एम चेंजिंग द साइन, बिकॉज आई वांट टू डू दिस लाइक सेवन के माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज होता है, दिस शुड बी नाउ लेस देन इक्वल टू जीरो। और अगर आपने पढ़ा है कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसकी रेंज होती है एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, तो हमारे केस में भी क्या होगा, के की जो रेंज आएगी इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई सेवन एंड लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, सेम इस वाले मैथड से जैसे ये किया वो यूज किया। तो एज पर द गिवन ऑप्शन द बेस्ट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें थ्री बाई सेवन इंक्लूडेड है, ठीक है, एंड वन बाई टू तक वो जा रहा है, सो दैट विल बी आर आंसर बी। तो जो रेंज होगी हमारे फंक्शन की वो होगी 3 बाई 7 से 1 बाई 2 तक। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग इट। आप ये मेथड देखिए, इक्वल टू k किया है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक में क्योंकि रियल वैल्यू ऑफ x चाहिए तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है कि इनइक्वालिटी है, एंड इस इनइक्वालिटी के बेसिस में हमारे k की रेंज आ जाती है विच इज ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका है कि मैं हमारा जो ये फंक्शन है जैसे न्यूमरेटर है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूं और फिर देखूं मैक्सिमम कहां तक जाती है। जैसे अगर आप न्यूमरेटर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, राइट, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है फिर भी लेट्स ट्राई। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना उसका जो मिनिमा होता है वो होता है माइनस बी बाय टू ए पर। माइनस बी बाय टू ए इस केस में क्या होगा, विच इज माइनस टू अपॉन टू इंटू वन विच इज माइनस वन। x की वैल्यू माइनस वन पर इसका मिनिमा होगा, मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो x इज इक्वल टू माइनस वन पर आएगी। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है विच यू शुड नो जो हमारे एडवांस्ड अलजेब्रा में आता है। अगर मैं इसमें माइनस वन वैल्यू x की सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, आप देखिए इट विल बी इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस फोर डिवाइडेड बाय
इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन प्लस नाइन, आपको सब कुछ लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप डायरेक्ट करता हूँ, ये वन है, ये माइनस टू है, ये फाइव फोर है, तो फोर प्लस वन इज फाइव, फाइव माइनस टू इज थ्री, डिवाइडेड बाय टू इंटू वन है ये टू, प्लस फोर इंटू माइनस वन ये माइनस फोर है, ये नाइन है, नाइन एंड टू इज इलेवन, इलेवन में से फोर गया इज सेवन, सो मिनिमम वैल्यू इसकी थ्री बाई सेवन आएगी, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन आई कैन एलिमिनेट एंड ए ऑल्सो आई कैन एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन में थ्री बाई सेवन इंक्लूडेड नहीं है, मेरे केस में थ्री बाई सेवन वैल्यू आ रही है, सो माई आंसर विल बी आउट ऑफ बी एंड सी। पहली चीज तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, आप ध्यान से देखिए, वो न्यूमरेटर के डबल से थोड़ा बड़ा है। देखिए जो ऊपर है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर है, अगर आप सपोज करिए उसे ए बोलते हैं, तो अपॉन जो हमारा फंक्शन बन रहा है नीचे वो उससे डबल है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट से भी बड़ा है, इट्स लाइक ए प्लस वन, तो नीचे हमेशा सॉरी टू ए प्लस वन डबल से भी बड़ा है, तो जो भी आप वैल्यू डाल लो हमारा जो आंसर आएगा ना वो हमेशा हाफ से छोटा आएगा, इट विल बी लेस देन हाफ, बिकॉज नीचे अगर ये सिंपल ए बाय टू ए होता तो ये हमेशा हाफ होता, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर 2a से भी एक बड़ा है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन रिजेक्ट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 8 बाय 9 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो काफी बड़ा नंबर है, सो माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो भी हाफ तक ही जाएगी, एग्जैक्ट हाफ नहीं जाएगी, उससे थोड़ी कम ही रहेगी, सो दिस वे ऑल्सो यू कैन ट्राई की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हम निकाल लें और उससे भी हम ये कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिशनली भी कर सकते हो, लेकिन आप ये दोनों मैथड्स को मल्टीपल टाइम्स ट्राई करिए, वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स ताकि आप इसे क्लैरिटी से समझ सको, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जाम।